हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मतलब कि अभी हम रुके हैं नाश्ते के लिए। क्या है कि 30-40 किलोमीटर आ गए हैं कारगिल से। मतलब बहुत धूप है जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, मौसम भी ठंडा है। रात को दही खाई थी तो कोल्ड भी हो गया है। और अभी खाते हैं, करते हैं नाश्ता, आलू प्याज के पराठे खाते हैं। वो पीछे देखो हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी सामने, वो देखो बिल्कुल सामने। मतलब कि हम, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पता क्या होती है हर राइडर की, होती है कि जहाँ भी हम नाश्ता करें, लंच करें, जो भी डिनर करें, जो भी करें, बाइक बिल्कुल सामने खड़ी होनी चाहिए। मतलब हमेशा सामने ही खड़ी होती है। तो दिख रही है पीयूष बाइक फुल मज़े करते हुए, चिल मारते हुए गट्टू बंडल के साथ और अभिलेश भाई के साथ पीछे पीछे चल गए। आज अभिलेश भाई हमें लीड कर गए। तो अभी हम रुके थे जोगिंदर का ढाबा, बड़ा मस्त खाना था भाई साहब, बड़ा मस्त था। चाय इतनी ज़बरदस्त थी ना, खाली पूरे रूट पे चाय नहीं मिली थी ऐसी, अब जाके ऐसी चाय मिली, पीने का ना मारा, मज़ा आ गया एकदम, जोश आ गया चाय पीने वाला। खाना बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप इस रूट पे हैं तो यहाँ पे रुकना, पीछे है जोगिंदर का ढाबा। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं फतुला। फतुला भी एक मतलब हाईएस्ट पास है, काफ़ी हाइट पे है, मतलब एल्टीट्यूड बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी हाइट है काफ़ी। तो सामने व्यू इतना अच्छा है, मतलब बाइक रोड अच्छा है तो बाइक चलती जाएगी, चलती जा रही है, मतलब हम चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है। बीच में रुक जाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर से चल लेते हैं, अच्छी अच्छी रील्स बना लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से ले हैं लगभग 200 किलोमीटर अभी और है। फतुला पास, मतलब हवा का प्रेशर इतना तेज है, इतना तेज है, आपको इसके नहीं पता चल रहा होगा कितनी तेज हवा चल रही है। मतलब तो फतुला टॉप जो श्रीनगर लेह हाईवे है ना, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट है श्रीनगर लेह रोड का, फतुला टॉप जहाँ भी हम अभी खड़े हैं। मतलब जो जिला पास पे खड़े थे बिल्कुल हाइट पे, आज फतुला टॉप पे खड़े हैं। तो जिला पास पे बारिश आई थी, यहाँ बारिश नहीं है, मौसम साफ है, धूप निकली हुई है। तो पीछे देखो बाइक खड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल रेडी खड़ी है, कहती है चलो ले बचा दो फटाफट से, ले बचा दो। तो हम ले ही जा रहे हैं, बस 2-3 घंटे का रास्ता हो गया है। 2-3 अच्छे अच्छे पॉइंट और आएंगे, वहाँ पे रुकेंगे। मतलब बाल इतने अच्छे लग रहे हैं ना, आज मुझे बाल अपने इतने अच्छे लग रहे हैं, देखो जिधर मूव करता हूँ उधर से मुगले लग जाते हैं, मतलब इतने बढ़िया लग रहे हैं, बाइक साहब मज़ा आ गया। मतलब ये जब मैं टर्न लेने वाला हूँ ना, उसके बाद आप जो व्यू दिखने वाला है बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला है, देखो जगह। हाय क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि इतना ज़बरदस्त व्यू। और हमने कहाँ जाना है, वो सब नीचे, सबसे नीचे सड़क दिख रही है, हमने वहाँ तक बिल्कुल नीचे उतरना है। वो सामने पहाड़ वाली चोटी है, उस पर अभी बर्फ़ भी जमी हुई है। तो मतलब पहले हम बहुत ऊपर चढ़े थे कौन सा फतुला पास के लिए, अब हम बिल्कुल नीचे उतरेंगे लिमियारू, क्या नाम था उस जगह का, उसके लिए। पहली बार आया हूँ तो जगह के नाम नहीं पता, धीरे धीरे आगे आगे पता चलते जाएंगे। तो चलो एंजॉय करो, लेट्स गो फॉर अ राइड हियर। हेलो, कैसे हो? तो फाइनली हम पहुंच गए अलची मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री की एंट्री है, यहाँ से हमने एंटर किया और वेलकम टू अलची मोनेस्ट्री, यहाँ से हम इधर जाएंगे। मतलब बहुत बढ़िया है एरिया में जो है बनी हुई है, हमको किधर जाना है, जहाँ जहाँ रास्ता जा रहा है हम चलते जाएंगे। तो इधर मोनेस्ट्री है, वे टू टेम्पल, ये टेम्पल है इधर मोनेस्ट्री है। और ये मोनेस्ट्री से व्यू है, मतलब बड़ा ज़बरदस्त है, रिवर जा रही है और मतलब हिल्स हैं पूरे। मतलब
देखो प्लॉट कटे पड़े हैं यहाँ पे, बस अभी एक प्लॉट मुझे अलॉट हो जाएगा तो मैं अपना यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बना लूँगा। जितने AMC से भाई आएंगे सबके लिए फ्री है खाना पीना। अभिलेश भाई का रेफरेंस होना चाहिए बस। तो इधर का व्यू बहुत ज़बरदस्त, उधर धूप नहीं है, इधर बहुत तेज़ धूप है। ले पहुँचने वाले हैं, बस 1 घंटे का रास्ता रह गया यहाँ से। और अभी पहले जाएंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, उससे पहले संगम है, संगम को देखेंगे। इंदस और कौन सी उसका रिवर का संगम हो रहा है, जंस्कार और इंदस का जो संगम हो रहा है वो देखेंगे। मतलब बहुत ज़बरदस्त वाला नज़ारा है, रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा हो गया तो फिर आपको कल दिखाएंगे। और पत्थर साहिब गुरुद्वारा आएगा, वहाँ पे जाएंगे, बाबा जी के दर्शन करके आएंगे। तो हम पहुँच गए मैग्नेटिक हिल पे, सामने आपको दिख रहा होगा, और अभिलेश भाई फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये मैग्नेटिक हिल पे क्या है कि गाड़ी है जो अपने आप मूव करती है ऊपर, आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी अपने आप ही चढ़ने लग जाएगी। मतलब बड़ा अच्छा व्यू है, बाइक का तो मुझे पता नहीं चढ़ती है नहीं चढ़ती, गाड़ी का तो पता है। तो ये छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, यहाँ एडवेंचर वाली बाइक खड़ी हुई है, अगर आपको चलानी हो ट्रैक के ऊपर तो आप जाओ और उसके ऊपर पूरा घूम के आओ, एंजॉय करो। अभी हम नहीं जा रहे, अभी तो हम पहुंच गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब, वो सामने ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे हम अभी जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने। वो जो सामने ये वाली लाइट जल गई है वो वहाँ पर निशान साहब लगा हुआ है, तो यहाँ से ये वाला रास्ता है वहाँ पे ऊपर जाने का निशान साहब। वहाँ तो नहीं जाएंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं, तो अभी बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं। मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब पूरा चारों तरफ एकदम अच्छा मस्त वाला व्यू है, और बीच में है बाबा जी का गुरुद्वारा जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए और फिर चलते हैं ले। तो फाइनली हम पहुंच गए ले। तो अभी क्या जा रहे हैं, अभी डिनर करने जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो बहुत फ़न किया आज पीयूष भैया ने, गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने तो नहीं गए, हम गए थे मत्था टेकने, प्रसाद खाया, मज़ा आ गया। तो बाकी ले को एक्सप्लोर करेंगे हम कल सुबह, होटल हमने यहीं ले लिया माल रोड के बिल्कुल सामने ही। और अभी चलते हैं डिनर करने और व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, बढ़िया बढ़िया एडवेंचर कराते हैं सुबह तुम्हें। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।